हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि। तो आज हम पढ़ेंगे बेरियम स्वेलो के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेरियम स्वेलो के बारे में। बेरियम स्वेलो जो है जीआईटी ट्रैक्ट का एक प्रोसीजर है। वैसे तो जीआईटी ट्रैक्ट में चार प्रोसीजर्स आते हैं। पहला आता है बेरियम सेलो, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सेकंड आता है बेरियम मील, फिर एंटेरोग्लाइसिस एंड बेरियम एनिमा। तो आज हम पढ़ेंगे बेरियम सेलो के बारे में। तो आइए क्लिनिकल इंडिकेशंस देखते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ बेरियम सेलो। बेरियम सेलो इज़ अ डेडिकेटेड टेस्ट ऑफ द फैरिंग्स, ईसोफेगस एंड द प्रॉक्सिमल स्टमक। बेरियम स्वेलो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम फैरिंग्स, ईसोफेगस और प्रॉक्सिमल स्टमक का प्रॉक्सिमल पार्ट देखते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जो प्रोसीजर है ओरल कैविटी से फंडस ऑफ द स्टमक तक देखा जा सकता है। इट मे बी परफॉर्म एज अ सिंगल एंड द डबल कंट्रास्ट स्टडी। इसमें जो है दो स्टडी होती है, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी एंड डबल कंट्रास्ट स्टडी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट टेक अबाउट 10 to 20 minutes टू परफॉर्म। इसमें कम से कम इस प्रोसीजर में 10 से 20 मिनट लगते हैं परफॉर्म करने में। अब क्लिनिकल इंडिकेशन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे पेशेंट की, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि तब उसे ये प्रोसीजर कराना पड़े। तो सबसे पहला है क्लिनिकल इंडिकेशन, डिसफेजिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन। डिसफेजिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मीन्स अगर हमें कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है उस चीज़ को हम कहते हैं डिसफेजिया। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, हो सकता है कि वहाँ पे जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो किसी वजह से, तो उसे देखने के लिए भी किया जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब होता है कि गैस्ट्रो से मीन्स स्टमक, ईसोफेगल मीन्स ईसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है हमारा। जब हमारे गैस्ट्रिक से जो बोलस होता है, मीन्स फूड हम जो खाते हैं माउथ से, वो ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है। अगर वो ईसोफेगस से वापस गैस्ट्रिक मीन्स हमारे स्टमक से वापस ईसोफेगस में वापस आए, तो एक रिफ्लक्स कहते हैं उसे, मीन्स बैक फ्लो। तो वो अगर डिजीज़ हो जाए तो भी करते हैं। मिस्टीनल मासिस, कोई मास हो गया है मिस्टीनम में तो करते हैं। हर्टबर्न होना, उस एसिडिटी के केस में भी। वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, उस केस में भी। असेसमेंट ऑफ फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, अनवांटेड ओपनिंग होती है, कोई दो ऑर्गन उसके बीच में एक अनवांटेड ओपनिंग हो गई है तो उसे हम फिस्टुला कहते हैं। रिगर्गिटेशन मीन्स बैक फ्लो होना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जिस किस केसेस में हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, अगर पेशेंट को एलर्जी होती होगी कंट्रास्ट मीडिया से तो उस केस में हम ये नहीं कर सकते। परफोरेशन है अगर पेशेंट को, परफोरेशन मतलब होता है कि कोई अगर हम इस केस में अगर पेशेंट को कंट्रास्ट देंगे तो उस केस में हमारे बेरियम जो है लीक हो सकती है दूसरे ऑर्गन्स में, तो उस पेशेंट को हार्मफुल भी हो सकता है ये। एस्पिरेशन मतलब जब हमारी कंट्रास्ट मीडिया अपने पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं और चला जाए तो उसे हम एस्पिरेशन कहते हैं। ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला, अगर ट्रैकिया और ईसोफेगस मीन्स हमारे विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में कोई ओपनिंग है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो अगर हम बेरियम पेशेंट को ओरल कैविटी से पिलाते हैं मुंह से, तो अगर हमने पेशेंट को मुंह से पिलाया तो वो ईसोफेगस से ट्रैकिया में भी जा सकती है जो कि विंड पाइप है, तो उससे भी पेशेंट की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये प्रोसीजर हम इस केस में नहीं करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन, द रेडियोलॉजिस्ट शुड बी सप्लाइड विद अ पेशेंट हिस्ट्री। रेडियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट की हिस्ट्री के साथ भेजेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है कि पेशेंट जब भी प्रोसीजर के लिए उसे अपॉइंटमेंट दी जाती है उसी टाइम उसकी सारी हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो सारी हिस्ट्री रेडियोलॉजिस्ट और एक टेक्नीशियन जो उसके जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी को उनकी हिस्ट्री, पेशेंट की सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर शुड बी गिवन टू द पेशेंट। हमें पेशेंट को भी पूरा इंस्ट्रक्ट करना है, पूरा प्रोसीजर समझाना है कि हम बेरियम देंगे उन्हें, उसको पीना है और कैसे कैसे प्रोसीजर परफॉर्म होगा वो सारा पेशेंट को भी बताना है ताकि वो एंशियस ना हो। कंट्रास्ट मीडिया की बात कर ले, इसमें हम जो कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं वो होता है बेरियम, तो क्योंकि
प्रोसीजर का नाम भी बेरियम स्वेलो है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि बेरियम का यूज़ हो रहा है एज अ कंट्रास्ट मीडिया, जो कि पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया है, जो कि वाइट दिखता है हमारे एक्सरे, वाइट दिखता है हमारे सीटी या एक्सरे में, अगर उसका देखे, उसका कलर देखे तो हम, वो ब्राइट होता है, ब्राइट। सिंगल कंट्रास्ट एंड डबल कंट्रास्ट, सिंगल कंट्रास्ट में थिन बेरियम यूज़ करेंगे 100% वेट बाय वॉल्यूम, और कम से कम हम 60-70 ml यूज़ करेंगे। डबल कंट्रास्ट की बात करें तो थिक बेरियम यूज़ करेंगे इसमें। थिक बेरियम क्यों यूज़ करते हैं इसमें हमें, क्योंकि म्यूकोसल कोटिंग देखनी होती है, तो म्यूकोसल कोटिंग देखने के लिए हम थिक बेरियम यूज़ करेंगे 200 से 250% वेट बाय वॉल्यूम, और 15-20 ml इसमें हम कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करेंगे। अब प्रोसीजर देख लेते हैं सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी में। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में टू डेमोस्ट्रेट द ग्रॉस पैथोलॉजी, ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब है हमें अगर डीप में पैथोलॉजी देखनी है तो ये कंट्रास्ट, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं हम। सेकंड है, सेकंड पॉइंट है, बेरियम इज स्वेलेड डाउन द ईसोफेगस एंड ऑब्जर्व द पेरिस्टाल्टिक इन द सुपाइन पोजिशन। पेशेंट जो है सुपाइन पोजिशन में होगा, पेशेंट को हम बेरियम स्वेलो कराएंगे माउथ से, मींस निगलने के लिए बोलेंगे, और जो हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ईसोफेगस का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब ईसोफेगस कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसके माध्यम से जो फूट है आगे पास आउट हो। तो अगर पेशेंट को हम बेरियम स्वेलो कराएंगे तो सुपाइन पोजिशन में होगा पेशेंट पहले, तो फिर हम बेरियम स्वेलो कराएंगे और अपनी फ्लोरोस्कोपी की मदद से लाइव इमेजेस देखेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखेंगे हम ईसोफेगस का सुपाइन पोजीशन में। थर्ड है, फिल्म आर एक्सपोज्ड इन इरेक्ट पोजीशन, राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, फ्रंटल एंड लैटरल व्यू व्हेन द ईसोफेगस इज वेल डिस्टेंट। पेशेंट को, पेशेंट का जो हम फिल्म एक्सपोज करेंगे, मीन्स हम कैसे फिल्म लेंगे, हम पेशेंट की इरेक्ट पोजीशन में फिल्मिंग लेंगे, राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, फ्रंटल और लैटरल व्यू में, तब लेंगे जब ईसोफेगस बहुत ही अच्छा डिस्टेंडेड हो। अगर वो डिस्टेंड होगा तो हमें पैथोलॉजी बहुत ही अच्छा दिखेगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हो सकता है उसमें कोई भी लीजन वगैरह हो, मास हो, तो वो मिसमैच हो सकते हैं या फिर हमें नहीं दिखेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट पोजीशन जो होती है फिल्मिंग की, वो राइट एंटीरियर ऑब्लिक कहलाती है, बिकॉज राइट एंटीरियर ऑब्लिक में जो है एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जो हमारा फ्रूट पाइप है वो स्पाइन से बिल्कुल ही अलग हो जाता है, और बहुत ही मतलब ओवरलैप नहीं होता कह सकते हैं, तो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है इसमें हमारा ईसोफेगस। तो जो भी कंट्रास्ट मीडिया जाएगा उसमें बहुत ही क्लियर दिखेगा, और अगर हमारी कोई भी पैथोलॉजी है तो उसमें बहुत ही अच्छी डेमोस्ट्रेट हो जाएगी। द एस्केप ऑफ कंट्रास्ट एट द लेवल ऑफ द डायफ्राम शुड नॉट बी कंक्लूड फॉर द रिफ्लक्स। जो हमारा कंट्रास्ट मीडिया है जब डायफ्राम के डायफ्राम से नीचे जाएगा तो हमें ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा कि रिफ्लेक्स हो रहा है वो, मतलब ऐसा लगता है कि वो बैक फ्लो हो रहा है, वापस आ रहा है, बट उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। वो कंट्रास्ट मीडिया जो है वो डायफ्राम से नीचे जाते हुए वो डायफ्राम के लेवल पे जब होता है वो ऐसे ही दिखता है। दी फ्रंटल एंड दी लैटरल स्पॉट फिल्म टेकन टू शो दी डिस्टेंडेड पायरीफॉर्म साइनस एंड वेल्वुलाई। फ्रंटल और लैटरल स्पॉट व्यू जो होता है उसमें जो है हमें डिस्टेंडेड पायरीफॉर्म साइनस और वेल्वुलाई दिखते हैं, इसीलिए हम फ्रंटल और लैटरल व्यू लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है डबल कंट्रास्ट स्टडी। डबल कंट्रास्ट स्टडी टू डेमोस्ट्रेट दी म्यूकोसल पैटर्न, म्यूकोसल पैटर्न देखने के लिए किया जाता है। पहले तो म्यूकोसा होती क्या है, ईसोफेगस स्टमक की बात करें तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर होती है। तो हमें म्यूकोसल पैटर्न देखना है इसमें। तो जब भी हम थिन, हम डबल कंट्रास्ट स्टडी में थिक बेरियम यूज़ करते हैं, तो जब पेशेंट को हम बेरियम स्वेलो कराएंगे तो उसमें जो है हमारी जो स्टमक की जो लेयर है वो पूरा कोट हो जाएगी अच्छे से, और हमें अगर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी, इसीलिए हम इसमें थिक बेरियम यूज़ करते हैं। सब पहले तो हम ये म्यूकोसल पैटर्न देखने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एफरवेसेंट पाउडर इज़ गिवन। हम इसमें इनो देते हैं पेशेंट को एज अ एफरवेसेंट पाउडर, ठीक है। बस्कोपेन एंड ग्लूकागन कीप द ईसोफेगस डिस्टेंडेड अ लॉन्गर टाइम। बस्कोपेन और ग्लूकागन भी देते हैं ताकि ईसोफेगस जो है डिस्टेंड रहे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। इरेक्ट पोजिशन गैस टेंड टू स्टडी अप स्टैंड अप रिजल्टिंग इन एडिक्वेट डिस्टेंशन। पेशेंट के जो है ये प्रोसीजर जो है इरेक्ट पोजिशन में होता है ताकि जो भी गैस है पेट में वो ऊपर की तरफ हो जाए और हमें बहुत ही अच्छा डिस्टेंड दिखे, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन. द लीकेज ऑफ द बेरियम फ्रॉम द अनसस्पेक्टेड परफोरेशन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन. अब हम अगर कोई परफोरेशन होगा तो वहाँ से बेरियम का लीकेज भी हो सकता है. सेकेंड है एस्पिरेशन, मीन्स हम जो कंट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं वो हमारे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना जाकर कहीं और चला जाए. एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, अगर पेशेंट को हम कंट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें पेशेंट को उसकी वजह से कोई एलर्जी हो जाए. एलर्जी का मतलब कोई रैशिज होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, तो ये सारा एलर्जी के केस में आ जाता है. डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है. आफ्टर केयर एसेंस एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट स्टेटस ऑन द कंप्लीटिंग द प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट ऑल केयर गिवन एंड एनी यूजुअल अनयूजुअल इवेंट दैट ऑकर, प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द डाइट मेडिसिन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन फॉलोअप एंड द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन. इसमें सब यही लिखा हुआ है आफ्टर केयर, जब पेशेंट का प्रोसीजर हो जाए तो इसके बाद उसकी कैसे केयर करनी है. पेशेंट को सबसे पहले तो हमें जब भी उसका प्रोसीजर हो जाए उसके बाद हमें वेट करना है थोड़ी देर, हो सकता है उसे कोई रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं प्रोसीजर के बाद, ठीक है, वेट करना है. उसे डिपार्टमेंट लीव करने से पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए ये देखनी है. अगर कोई उसे इंस्ट्रक्शन देनी है डाइट से रिलेटेड, कोई मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो सब उस पर लिखना है. उनके जो भी पेपर होते हैं डॉक्टर पेपर, उसे पूरा इंस्ट्रक्ट करना है. अगर डाइट प्लान है तो द पेशेंट्स टूल्स में बी लाइटर इन कलर फॉर अ फ्यू डे ड्यू टू द इंजेशन ऑफ द बेरियम. हमें भी अगर हमने बेरियम सेलो प्रोसीजर किया तो पेशेंट को हमें ये बताना भी है कि उनका जो स्टूल है थोड़ा लाइट कलर का होगा बिकॉज बेरियम की वजह से. और हमें साथ ही साथ अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को हमें ज़्यादा पानी पीने के लिए भी बोलना होगा, बिकॉज इसमें जो होता है कि बेरियम, हमने बेरियम स्वेलो कराया है तो अगर वो ज़्यादा दिन तक हमारे इसोफेगस या स्टमक में रह जाता है या फिर आगे जाके कहीं इंटेस्टाइन में, तो वो ना एक्यूमुलेट हो सकते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन. तो हमें पेशेंट को ये बोलना है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है दो दिन तक, ताकि जो बेरियम है वो ईजिली जल्दी पास आउट हो जाए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.